मैं हूं आयुष्म और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। बिग बॉस 12 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रही सृष्टि रोज को कभी दूसरी औरत कहा गया था। जी हां, करीब 4 साल पहले टीवी एक्ट्रेस मुस्कान अरोड़ा ने सृष्टि पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उन्हें धोखा दिया है। सृष्टि पर यह आरोप मनीष नागदेव की वजह से लगा था, जो अब उनके मंगेतर भी हैं। कथित तौर पर 2014 में मनीष नागदेव मुस्कान को 4 महिलाओं के साथ धोखा दे रहे थे, जिसमें से एक सृष्टि रोड थी। इस बारे में एक बातचीत में मुस्कान ने बताया था कि मैं और मनीष रिलेशनशिप में थे। मैं उस समय महाराणा प्रताप सीरियल कर रही थी और इसकी शूटिंग के लिए मुझे वापी जाना पड़ता था, जो कि मुंबई से 4 घंटे की दूरी पर है। सीरियल के सिलसिले में मुझे काफी ट्रैवल करना पड़ता था। इस बीच मनीष की नजदीकियां मेरी एक दोस्त के साथ बढ़ रही थी, जिसका नाम आस्था चौधरी है। मनीष मुझसे लगातार झूठ बोल रहे थे, लेकिन एक दिन मैंने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। हालांकि इस घटना के बाद उन्होंने मुझसे माफी मांगी और मैंने आखिरी मौका दे दिया। कुछ दिनों बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई और 2 दिन बाद ही मुझे पता चलता है कि वो सृष्टि रोड को डेट कर रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सृष्टि को कॉल किया, लेकिन उन्होंने इस बात से मना कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद उनका रिलेशनशिप कंफर्म हो गया। मुस्कान कहती है कि सृष्टि ने मुझे धोखा दिया है। जब सृष्टि पर मुस्कान अरोड़ा को धोखा देने का आरोप लगा तो उन्होंने कहा था कि मैं मनीष नागदेव को डेट कर रही हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान है और बाकी समय बताएगा कि वो कैसे हैं। मुझे नहीं पता कि मुस्कान अरोड़ा कौन है और हम दोनों पर ऐसे आरोप क्यों लगा रही हैं। मैं इस मुद्दे पर ज्यादा नहीं बोलना चाहती। मैं मनीष पर विश्वास करती हूँ और वो बहुत अच्छे साथी हैं। 4 साल पुराने इस विवाद के बारे में मनीष कहते हैं कि मुस्कान ने मुझ पर धोखा देने के जो आरोप लगाए थे वो पूरी तरह झूठे थे। उनके पास खुद को सही साबित करने का कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए मीडिया में इस बात के बाहर आने के बाद वो चुप हो गयी। जब मैंने सृष्टि को प्रपोज किया तो उन्हें मुस्कान के साथ रिलेशनशिप के बारे में बता दिया था। ये किसी तरह की 2 टाइमिंग नहीं थी। मेरे और मुस्कान के बीच जो भी हुआ, सृष्टि उसके बारे में जानती थी। यहाँ तक कि सृष्टि के पेरेंट्स ने भी हमें सपोर्ट किया था, क्योंकि वो जानते थे कि मुस्कान का दावा झूठा है। हालांकि हमारे मन में उसके लिए कोई दुर्भावना नहीं है। खैर, मनीष चाहते हैं कि सृष्टि अभी सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस पर ध्यान दे और विनर बने। वो घर के दूसरे लोगों की तरह फेक नहीं है। मनीष को लगता है कि सृष्टि शो जरूर जीतेंगे। आपको बता दें कि मनीष और सृष्टि की सगाई हो चुकी है और जब वो बिग बॉस 12 के घर से बाहर आएंगी तो उनकी शादी की डेट भी फाइनल हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बिग बॉस 12 से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।